धार्मिक नगरी उज्जैनी के धर्म स्थानों को राष्ट्रीय पर्यटन एवं स्वच्छ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल पर्यटन के प्रमुख स्थलों में महाकाल मंदिर, काल भैरव, हर सिद्धि, शिप्रा नदी के रामघाट, सांदीपनि आश्रम, त्रिवेणी शनि मंदिर, भरतरी गुफा और अन्य मंदिर भी स्वच्छ पर्यटन में पहला स्थान मिला है। महाकाल की नगरी के साथ जितने भी देवस्थल हैं उनका सर्वे कर राष्ट्रीय पर्यटन स्वच्छ मिशन के तहत प्रथम स्थान आने पर उज्जैन में खुशी की लहर। महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम के अधिकारी, स्वच्छता कर्मी प्रथम पुरस्कार मिलने से बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि धर्म स्थलों में राष्ट्रीय पर्यटन विभाग के द्वारा प्रथम पुरस्कार के लिए उज्जैन का चयन किया गया है, हमारे लिए और शहर के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव की बात है और इसका पूरा श्रेय स्वच्छता सेनानी जो कि दिन रात स्वच्छता का बीड़ा उठाए हुए शहर को प्रथम लाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है क्योंकि हमारे शहर में महाकाल के साथ अन्य भी देवस्थल हैं जो स्वच्छ पर्यटन की दृष्टि से प्रथम पुरस्कार आया है। उसके लिए मैं स्वच्छता कर्मी, निगम कर्मियों, निगम अफसरों और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब हम शहर को स्वच्छता में भी नंबर वन लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उसी तत्सम स्वच्छता कर्मियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया है। हमारे सारे उज्जैन वासियों को, हमारे सारे स्वच्छता सेनानियों को, हमारे नगर निगम के सारे अधिकारियों को, सबको जय श्री महाकाल बोलते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि जो हमको पर्यटन के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिल रहा है इसमें सभी का योगदान है। हमारे सारे उज्जैन वासियों ने भी, हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने भी, सबने आपसी तालमेल के साथ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की है। उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो इसके लिए स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। इस पुरस्कार के असली हकदार ही सारे लोग। मैं यही कहूँगी कि सब मंदिरों की अच्छे से साफ सफाई हुई है और सब बढ़िया है। हम सब मेहनत करते हैं, सब अच्छा बढ़िया। हम भी चाहते हैं कि हमारा उज्जैन नंबर वन आए, जैसे इंदौर आया है। हम दिल से मेहनत कर रहे हैं हमारी।